हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरोज प्रजापति और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास क्रोम ब्राउज़र से जो नोटिफिकेशन आती है वो सही फेक है या फिर गलत है, मतलब क्या कुछ है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और क्या मतलब यूज़ होती है ये नोटिफिकेशन, मैं आप लोगों को बताऊंगा फुल डिटेल्स के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी क्रोम ब्राउज़र जो भी बंदा यूज़ करता है तो उसके पास हमेशा से ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन विथ प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मेरे पास अभी तुरंत तीन मैसेजेस आई है, मतलब तीन नोटिफिकेशन आई है क्रोम ब्राउज़र से। तो ये रियल है या फिर फेक है, मैं आज के इस वीडियो में फुल डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना भी नोटिफिकेशन आपको क्रोम ब्राउज़र से आती है वो सब फेक होती है। तो मतलब क्या कुछ फेक होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि नहीं यार ये सच है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये सब जितना भी नोटिफिकेशन है आपको मतलब झांसा देने के लिए दिया कर जाता है। और क्या मतलब आप जिस मतलब एड से ये लोग मतलब पैसे भी कमाते हैं, और एड्स द्वारा ये लोग मतलब झूठ मूठ का फेक मतलब आईडी बना के आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन क्रोम ब्राउज़र से फेक नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को क्लिक नहीं करना है, और कैसे क्या ब्लॉक करना है आज बताऊंगा। तो देखिए, आपको करना है सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पर ऊपर में थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेटिंग्स का, आपको सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद देखिए, नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइड सेटिंग। साइड सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशंस का, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स, आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा एक जो नोटिफिकेशन आईडी है वो सेलेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है https://www.facebook.com। तो सिंपली इसको ब्लॉक करना है, और इसी के कारण से मेरा ये जो फेक नोटिफिकेशन है ये मेरे मोबाइल तक आता है, पहुँचता है। तो इसको ब्लॉक कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, फेसबुक इस पर क्लिक करना है। सिंपली से क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन शो करेगा आपके मोबाइल में। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलेगा परमिशन में, तो सिंपली आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन मिलता है, एक अलाउ का एक ब्लॉक का, तो सिंपली आपको ब्लॉक पर क्लिक कर देना है। ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद आपका जितना भी नोटिफिकेशन रहेगा जिस भी आईडी से आपके मोबाइल तक पहुँचता है वो आपको ब्लॉक हो जाएगा, और सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है क्लियर एंड रेस्ट पे। तो सिंपली क्लिक करने के बाद और एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर क्लियर एंड रेस्ट का, फाइनली मोड में ये मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर और एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपका जितना भी नोटिफिकेशन का जो भी आप मतलब आपके अंदाज़े से आप सब्सक्राइब हो गया होगा, या फिर आपके मोबाइल में आईडी आ गया होगा, आप गलती से सब्सक्राइब कर दिए होंगे, वो आपका यहाँ से सिंपली ब्लॉक हो जाएगा। एंड आपको करना क्या है, नोटिफिकेशन को अन इनेबल कर देना है, मतलब ब्लॉक कर देना है, और आपको बैक आ जाना है। अब आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन किसी भी माध्यम से नहीं पहुंचेगा, और कोई भी तरीके से आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। ये छोटी सी ट्रिक आपके मोबाइल तक और आपके मोबाइल को सेफ रखेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जाए मतलब कर लेना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।